झारखंड के चुनावी फिजा से सबसे बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों की माने तो महागठबंधन में कांग्रेस और जेएमएम के बीच डील पक्की हो चुकी है। कांग्रेस 30 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, बाकी की 51 सीटों पर जेएमएम, आरजेडी और लेफ्ट के उम्मीदवार होंगे। आरजेडी लेफ्ट से बात करने की जिम्मेदारी हेमंत सोरेन की होगी। आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव दिल्ली से रांची लौट रहे हैं, इसके बाद वो हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे। कभी भी महागठबंधन की औपचारिक घोषणा हो सकती है। वहीं जेएमएम कल अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी करेगा। तो हेमंत सोरेन से मिलेंगे रामेश्वर उरांव। आज महागठबंधन की घोषणा हो सकती है, कल जेएमएम उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी हो जाएगी। तो दिल्ली कांग्रेस और जेएमएम के बीच सीटों का तालमेल है। 51 सीटों पर जेएमएम, आरजेडी और लेफ्ट आज दिल्ली से रांची लौटेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव हेमंत सोरेन से मिलेंगे। रामेश्वर उरांव, आज महागठबंधन की घोषणा हो सकती है। वहीं झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम के बीच सीटों की संख्या पर तालमेल हो चुका है, लेकिन कुछ सीटें हैं जिस पर रार है। जेएमएम कांग्रेस के लिए विश्रामपुर की सीट छोड़ सकती है, लेकिन रांची गांटे घाटशिला पर दोनों दलों की दावेदारी है। ऐसे में इन कुछ सीटों का हल निकालना दोनों के लिए चुनौती है। तो कांग्रेस के लिए जेएमएम छोड़ सकता है विश्रामपुर सीट, रांची गांडे घाटशिला पर दोनों दलों की दावेदारी है। जेएमएम और कांग्रेस में सीटों की संख्या तय है, कुछ सीटों को लेकर दोनों दलों में खींचतान चल रही है। कांग्रेस के लिए जेएमएम छोड़ सकता है विश्रामपुर से दावेदारी, रांची गांडे घाटशिला और दोनों दलों की दावेदारी इस सीट पर है। जेएमएम और कांग्रेस में सीटों की संख्या तो तय हो चुकी है, लेकिन कुछ सीटों पर खींचातान अभी भी जारी है। तो रांची गांडे घाटशिला पर दोनों दलों की दावेदारी है। आपको बता दें कि जेएमएम और कांग्रेस के बीच सीटों की संख्या तय है, लेकिन कुछ सीटें हैं जिस पर अभी भी जो है दोनों के बीच माथापच्ची चल रही है। कांग्रेस के लिए जेएमएम विश्रामपुर से दावेदारी कर सकता है और रांची गांडे घाटशिला कुछ सीटों के लिए को लेकर दोनों के बीच खींचातान चल रही है। कांग्रेस के लिए जेएमएम छोड़ सकता है विश्रामपुर से दावेदारी। ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं राकेश। राकेश, जानना चाहेंगे आपसे, जेएमएम जो है क्या कांग्रेस के लिए विश्रामपुर सीट से दावेदारी छोड़ सकता है? देखिए, जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक विश्रामपुर सीट को लेकर कहीं ना कहीं बातचीत हो चुकी है और वो सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो कांग्रेस के लिए छोड़ने के लिए तैयार है। लेकिन अगर आप गांडे सीट की बात करें, घाटशिला सीट की बात करें, सिसई की बात करें या फिर रांची की सीट की बात करें, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो अड़ा हुआ है और ये सीट किसी भी हाल में झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि रांची सीट को लेकर नेगोशिएशन अभी जारी है, बातचीत के रास्ते खुले हैं, लेकिन घाटशिला चूंकि वहां से उनके पूर्व विधायक हैं रामदास सोरेन और पार्टी हर हाल में उनको चुनाव लड़ाना चाहती है, 2009 की अगर आप बात करें तो उस वक्त रामदास सोरेन ने ही प्रदीप कुमार बलमुचू को वहां शिकस्त दी थी और इस बार प्रदीप कुमार बलमुचू कांग्रेस की टिकट पर वहां से किस्मत आजमाने के लिए बेचैन है। प्रदीप कुमार बलमुचू ने भी साफ कर दिया है कि वो हर हाल में वहां से चुनाव लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं घाटशिला को लेकर गतिरोध जो है वो कायम है। यही कमोवेश स्थिति गांडे सीट को लेकर भी है। गांडे में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने पूर्व विधायक के पुत्र वधु को चुनावी मैदान में उतारना चाहता है, लिहाजा झारखंड मुक्ति मोर्चा वहां भी सीट नहीं छोड़ने की स्थिति में है। सिसई पर भी झारखंड मुक्ति मोर्चा अड़ा हुआ है। लेकिन जो खबरें आ रही है कि थोड़ी देर के बाद, मसलन एक दो घंटे के बाद, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है रामेश्वर उरांव, जो कि दिल्ली दौरे के बाद रांची पहुंचेंगे, उन
वो उनकी मुलाकात हेमंत सोरेन के साथ होनी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन से मिलने वो जाएंगे और उसके बाद एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी। हो सकता है कुछ सीट पर फ्रेंडली फाइट भी हो, इसकी भी संभावना जताई जा रही है। और औपचारिक तौर पर अगर आप सीटों को लेकर बात करें तो इसकी घोषणा दोपहर के बाद होनी है। दोपहर के बाद कभी भी सीटों को लेकर घोषणा हो सकती है। एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा जिसमें कांग्रेस के भी लोग होंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी लोग होंगे और उसमें ये घोषणा होगी कि कौन दल कितने सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहा है और कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। जी राकेश, जैसे 81 विधानसभा सीट है, कांग्रेस 30 पर चुनाव लड़ सकती है और जेएमएम 51 सीट पर, और जिसपे जो आरजेडी और लेफ्ट के बीच सीटों का बंटवारा होगा, लेकिन अभी भी कुछ सीट है जिसपे जो कांग्रेस और जेएमएम के बीच माथापच्ची चल रही है, लेकिन अगर महागठबंधन को बचाना होगा तो दोनों को किसी न किसी सीट पर समझौता करना होगा। बिल्कुल, देखिए उसी में एक सीट जो विश्रामपुर का सीट है जिस पर पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा अड़ा हुआ था, वो सीट जो सूत्र बताते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो कांग्रेस के लिए छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन बाकी जो 3 सीटें हैं उस पर जीत बरकरार है, बीच का रास्ता निकालने की कोशिश जारी है। लगातार कांग्रेस के नेताओं से हेमंत सोरेन की बातचीत हो रही है टेलीफोनिक। मैं बार बार कह रहा हूँ कि कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट की भी स्थिति हो सकती है जो सूत्र बता रहे हैं। थोड़ा इंतजार करना होगा, थोड़ी देर के बाद तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी। कल से लेकर 36 घंटे तक का जो समय रहा है वो कहीं ना कहीं बेहद अहम है महागठबंधन के लिए और इसी दौरान जो है वो चीजें साफ हो जाएंगी। हेमंत सोरेन से रामेश्वर उरांव की मुलाकात होनी है, उस मुलाकात के बाद एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी। जहां तक झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कल ही अपने प्रदेश कार्यकारिणी समिति की बैठक के बाद साफ कर दिया था कि बहुमत के आंकड़े से कम झारखंड मुक्ति मोर्चा कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, यानी 42 का आंकड़ा झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने पास रखा है। 42 सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़ेगी, 30 कांग्रेस के खाते में गई है, इसके अलावा 5 आरजेडी और 4 लेफ्ट को दिया गया है। तो आरजेडी और लेफ्ट को मनाने की जिम्मेवारी झारखंड मुक्ति मोर्चा को कांग्रेस ने दी है। कैसे आरजेडी को वो मनाती है, कैसे लेफ्ट को मनाती है, जरूरत पड़ी तो हो सकता है 1-2 सीटें कांग्रेस या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने खाते से आरजेडी को या लेफ्ट को देगा, तो इस तरह की संभावना बताई जा रही है, लेकिन तस्वीर जो है वो कुछ घंटों के बाद ही साफ हो पाएगी। जी राकेश, अगर हम बात करें रांची सीट की, तो रांची सीट जो है बेहद ही इम्पोर्टेंट है और जिसपे जो है कांग्रेस अपने प्रत्याशी उतारना चाहती है, तो इधर जेएमएम की बात करें तो वो भी सीट पर नजर बनाए हैं, तो क्या इस सीट पर समझौता हो सकता है? देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए रांची सीट की अगर बात करें तो स्वाभाविक दावा बनता है, पिछली बार उनके जो उम्मीदवार थे वो यहाँ से दूसरे पायदान पर थे, दूसरे पोजीशन पर थे, तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो स्वाभाविक दावा कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा का बनता है, लेकिन एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते, चूंकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और उस लिहाज से देखें तो कांग्रेस के लिए राजधानी की सीट बेहद अहम है। अगर ये सीट कांग्रेस खाते में नहीं जाती है तो एक गलत मैसेज जाएगा, कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं रोष होगा, कहीं ना कहीं नाराजगी होगा, इन तमाम पहलुओं को कांग्रेस देख रही है। दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है उसका साफ तौर पर कहना है कि सीटों का बंटवारे का जो फॉर्मूला है, सीट शेयरिंग का जो आधार है, उसमें ये चीजें पहले समाहित थी कि जो सेकंड पोजीशन पर होगा उस सीट पर वो लड़ेगा। तो उस तरीके से आप देखें तो रांची सीट जो है वो स्वाभाविक दावा झारखंड मुक्ति मोर्चा का बनता है। फिलहाल इस सीट को लेकर नेगोशिएशन जारी है, हो सकता है कुछ घंटे के बाद इस सीट को लेकर तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी। चलिए राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आज जो है कांग्रेस और जेएमएम के बीच जो भी महागठबंधन की तस्वीर है वो साफ हो सकती है।